काट लिया। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूँ स्नेक तूफानी। दोस्तों, रज्जाक शाह जो कर्नाटक के स्नेक रेस्लर है, उनको एक वीडियो बनाते हुए रसल वाइपर ने काट लिया है। आप आगे वीडियो में देखिए, उनको रसल वाइपर ने किस तरह से काटा है। उन्होंने सेफ्टी के सारे इक्विपमेंट्स वगैरह यूज किए थे। हाथ में उनके स्टिक था, हाथ में उनके रैकेट था, पाँव में उनके शूज थे, फिर भी छोटी सी गलती यहाँ पे बहुत महंगी पड़ी है। उनको रसल वाइपर जैसे जहरीले सांप ने काटा है। रसल वाइपर जो होता है हाईली वेनमस स्नेक है, जिसका जो जहर है वो हीमोटॉक्सिक जहर है, जो कि अपने खून के ऊपर, ब्लड के ऊपर असर करता है। रसल वाइपर मतलब एक उबला हुआ तेल जैसा है। जब भी कभी काटता है तो वहाँ पे पूरा गैंग्रेन वगैरह हो जाता है और ब्लड के ऊपर बहुत ही तेजी से उसका जहर असर करने लगता है। रसल वाइपर स्नेक जो इंडिया का बिग फोर वेनम स्नेक में से एक है, जो ज़्यादा तो ठंड के मौसम में ज़्यादा एक्टिव होता है। उसका मेटिंग वगैरह ठंड के मौसम में होता है, तो रसल वाइपर ठंड के मौसम में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इस हिसाब से थोड़ा दूरी बनाए रखें। कभी भी आपके घर के आजू बाजू में निकलता है तो इस हिसाब से थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि रसल वाइपर एक बहुत ही डेंजरस ऐसा स्नेक है। भारत में जो बिग फोर वेनम स्नेक है, जैसा कॉमन क्रेट, कोबरा, रसल वाइपर एंड सॉस्केल वाइपर, उनमें से एक है रसल वाइपर, जिसको हम भुनस ऐसे बोलते हैं। और ये जो सांप है, इसका काटने का जो स्पीड है बहुत ही तेजी से। मैं आगे वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से उनको हाथ को रसल वाइपर स्नेक ने काटा है। वो वीडियो में जानकारी दे रहे थे किस तरह से सांप से बचाव करना चाहिए, किस तरह से सांप को पकड़ना चाहिए, और ये बताते हुए उनको ही स्नेक ने काट लिया है। मैं हमारे सभी सब्सक्राइबर को और जो हमारे वीडियो देखते हैं उनको बताना चाहता हूँ, कभी भी सांपों के वगैरह वीडियो देख के सांप पकड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि सांप पकड़ना इतना आसान नहीं है। यहाँ पे छोटी सी भी गलती बहुत महंगी पड़ सकती है। यहाँ पे कौन सा भी रिटेक नहीं है, कौन सा भी रिएक्शन नहीं है, नहीं तो कौन सा भी मतलब एक बार गलती हुई तो उसके ऊपर सजा आपको जरूर मिलेगी। तो सांप पकड़ने की कोशिश वगैरह वीडियो देखे कभी भी मत करो, मैं आप सबको कहना चाहता हूँ। और इनको जो रसल वाइपर ने काटा है वो बहुत ही दुखद ऐसी घटना है, ऐसा किसी भी रेस्क्यूअर के साथ नहीं होना चाहिए। क्योंकि रसल वाइपर जैसे स्नेक काटते तो कभी कभी अपने हाथ पैर भी बहुत से लोगों ने अपने गवा दिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी वीडियो वगैरह देख के सांप वगैरह पकड़ने की कोशिश मत करो। ऐसे पकड़ा हो इसके वजह से ये मेरे को अटैक करेगा इस साइड में, तो मैं अपनी सुरक्षा के लिए बीच में रॉड लाया हूँ ताकि ये मेरे को अटैक ना करे। ये देखो, ये जगह बना रहा है मेरे से अपनी दूरी को कम करने के लिए। यही इसकी खासियत होती है कि ये अपने दुश्मन को जब काटना है तो ये मेरे रेंज में आ जाए। तो इसको मैं जहाँ पर हुक लगाया हूँ वहाँ से मेरी सुरक्षा की बॉर्डर शुरू हो जाती है, यानी कि मैं सुरक्षित हूँ। अगर ये हुक ना हो तो मैं सुरक्षित नहीं हूँ। अगर यहाँ से स्लिप होके मेरे को, देखो ये अपना जगह बनाया, अब मैं इसको ऐसा पकड़ने के बाद मैं अपने आप को सुरक्षित समझ सकता हूँ। लेकिन ये जितना आज तक के जितने भी रसल्स अगर मैंने पकड़े हैं उन सब में ज़्यादा होशियार ये लगता है। देखिए, ये मेरा गम्बूट है जिसकी वजह से मैं अपने आप को सेफ समझ सकता हूँ। लेकिन इसको कभी भी हम लोग रेस्क्यू करते हैं, सांप का जो भी है ये बैग में जाना बहुत, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए बैग में चला जाता है। ये देखिए, जहां तक हो सके इसको बैग दिखाते रहना। काट लिया।